नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। आज हम मौजूद हैं अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में। इस मंडी में बीते दो दिनों से ये मंडी बंद थी, आज सोमवार को ही चालू हुई है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे सरसों के दाम के बारे में जानेंगे। अभय जैन जी मौजूद हैं, जो काफ़ी फेमस व्यापारी हैं यहाँ के। पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। इस समय सरसों की आवक कितनी हो रही है अनुमानित? 2-2.5 हज़ार बोरी की आमदनी है मंडी में। अच्छा, दाम क्या चल रहे हैं? ये दाम चल रहा है 47.5 से 48 रुपये। अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटी की सरसों आती है? एक ही क्वालिटी आती है, ब्लैक वाली हमारे इधर। अच्छा, हाँ। जो बीज के टाइम अलग अलग प्रकार की रहती है, अलग अलग नाम से देते हैं, कोई नाम क्वालिटी रहती है क्या उसकी? वो हमको पता ही नहीं पड़ता कौन सी कौन है। हम तो व्यापारी हैं, तो कलर देख के ले लेते हैं, काला कलर होता है उसको ले लेते हैं। अच्छा जी। अधिकतम दाम इस साल कितने रहे हैं? 51-52 रुपये कई शुरू में, तो अभी कुछ गिरावट हुई है। हाँ, अभी मद्दा है थोड़ा बाजार। अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे? कुछ नहीं, ऊपर विदेशी बाजार मद्दा होने के कारण भी मद्दी है थोड़ी। अच्छा, कितने दिनों से गिरावट हो रही है? जी, 1 महीने से गिरावट है। 1 महीने जी। और आवक में कैसा परिवर्तन हुआ है 1 महीने में? अभी तो आवक आ रही थी, लेकिन किसानों की गवर्नमेंट की खरीद चल रही है, इस कारण किसानों का माल गवर्नमेंट तुलने जा रहा है, इसी माल कमा रहा है। मतलब जो खरीदी चल रही सरकारी, उससे असर पड़ा है? हाँ, सरकारी खरीद से असर पड़ा है, 50% असर पड़ा है। अच्छा जी, कम हो गई है? कम, आवक कम हो गई। किसान लोग भी ले जा रहे हैं यहाँ से चोलियाँ बाहर, यहीं से ले जा रहे हैं। हाँ, मंडी के अंदर से जो हम व्यापारी माल लेते हैं, किसान किसान उनको परवाड़ी ले जाता है बाहर के, बाद बाहर ले जाता है। व्यापारियों का मंडी तक बहुत नुकसान हो रहा है। व्यापारियों को तो लाता नहीं मंडी, मंडी कमेटी हम पर नोटिस लगा रही है, आपने ये माल लिया है जो आपने चढ़ाया नहीं, तो क्योंकि तुलने नहीं आया हमारे दुकान पर। मतलब यहाँ पे उनने नीलामी करवा ली, इसके बाद पर्चा लेकर चले जाते हैं की वजह से चले जाते हैं। हाँ, वो 50-100 रुपये बढ़ा देते हैं किसान लोग। अच्छा, पंजीयन में बढ़ा के, हाँ, बढ़ा के ले जाते हैं भैया। दूसरे लोग ले जाते हैं? हाँ, बाहर के जिनका लोग ले जाते हैं, जिनका पंजीयन है और माल नहीं है उनके पास, वो किसानों का माल 50 रुपये बढ़ा के खरीद के ले जाते हैं बाहर के बाद। तो आगामी समय में सरसों को लेकर क्या कहेंगे आप, कितने दाम बढ़ने की उम्मीद है? 54-55 रुपये बिक जाएगी आगामी समय में। कौन से समय में? 1-1.5 महीने बाद बिक जाएगी। 1-1.5 महीने? हाँ जी। 1-1.5 महीने में आवक की कितनी उम्मीद है, कितनी आ सकती है? अभी तो आवक चलेगी, अभी तो अभी क्या है, छुट्टियों की वजह से मंडी कम हुई है, क्योंकि किसानों पे माल है, लेकिन ये माल आता रहेगा ऐसा। इसी तरह से जो अभी आवक हो रही है, हाँ, ये तो आती रहेगी। बताओ, हाँ, कम नहीं होगी आवक। आपका क्या कहना है सरसों की, क्या स्थिति रहेगी? चना वालों से बात करना। आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स। सरसों के बारे में क्या स्थिति रहने वाली है आगामी समय में, कैसे दाम? सरसों अभी लगभग 15 जुलाई तक इसी भाव बिकती रहेगी, काफी आमदनी है, और भी आमदनी बढ़ेगी। अभी शादी ब्याह का सीजन है, अभी शादी ब्याह का सीजन है, इस कारण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसी भाव चलती रहेगी अभी, यही चलती रहेगी। किस तरह से रहेगी आमदनी? अभी थोड़ी इससे के बाद डबल हो जाएगी आमदनी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ सकती है? इससे डबल हो जाएगी, मतलब 15 से 3 हज़ार बोरी आने लगे। दाम कितने बढ़ने की उम्मीद? दाम अभी नहीं बढ़ेंगे, दाम कम से कम जुलाई एंड के बाद बढ़ेंगे। जुलाई के बाद कितने रुपए बढ़ सकते हैं? जुलाई के बाद 500 रुपए बढ़ सकती है, पर क्विंटल 500 रुपए, 53-54 रुपए बढ़ सकती है। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से किसानों व्यापारियों के लिए भी कुछ परेशानी आ रही है। यहाँ पर नीलामी हो जाती है, नीलामी होने के बाद कुछ ऐसे किसान जो जिनकी अपना पंजीयन कराए हुए होते हैं और 50-100 रुपए बढ़ाने के बाद यहाँ से लेके जाते हैं, इस वजह से उन्हें ये परेशानी हो रही है। ये मतलब है केंद्र के रिपोर्ट में ये आप ये देख सकते हैं, इस तरह से अपनी वो परेशानी बता रहे हैं। ठीक।